अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर हूँ, फ्राजू फाइटर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया कि लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस्ताद जी आप खेल पानी बताते हैं बहुत सारा, लेकिन कभी आपने पेयर जोड़ों के बारे में नहीं बताया। तो भाई साहब, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसी वजह से मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना जोड़ों के हवाले से फैंसी कबूतर हों आपके, या देसी हों या पटियाले हों, कोई से भी कबूतर हों। तो जैसा मौसम चल रहा है, सरमाया मौसम है, और उसके हिसाब से आपका कबूतर, आपका पट्ठा बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, और उसके लिए आप क्या देंगे, क्या देना चाहिए आपको, ये मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो मौसम है, इस मौसम के अंदर आप बाजरा तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो जोड़े वाले कबूतर होते हैं उनके लिए ख़ास ध्यान रखा जाता है। ख़ास ध्यान इस वजह से रखा जाता है क्योंकि वो अंडे भी देते हैं, मादी अंडे देती है, और उसके बाद बच्चे जब निकल जाते हैं उनको भराती भी है, नर भी भराता है, तो उसमें शरीर के अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है कैल्शियम की सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छा नुस्खा है ये, और आप इस नुस्खे को लगाइए और इसका रिज़ल्ट देखना, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। आपने करना क्या है, आपने मसूर की दाल लेनी है, जितनी मकदार आपको चाहिए, जितने भी आपके पास पेयर हैं, जोड़े हैं, उनके हिसाब से आप लेना। और मैं बता दूं आपको कि दो कबूतरों में आपको आधे चमचा मसूर की दाल लेनी है, लाल वाली मसूर की दाल होती है छोटी, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड तो आप ज़्यादा कर लेना, 100 ग्राम 200 ग्राम करके रख लेना, कोई बात नहीं, एक डिब्बा ले लेना, प्लास्टिक का डिब्बा हो या शीशे का, कोई सा भी डिब्बा हो आपके पास, उसमें ग्राइंड करने के बाद स्टॉक करके रख लेना, तब भी आपको ज़रूरत पड़े जब भी आप दे देना। तो उसको देनी कैसी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एक चमचा, अगर चार या पांच कबूतर हैं आपके पास, तो एक चमचा आपने उसको खौला लेना है पानी के अंदर, सादे पानी में, और जब वो अच्छी तरह से खौल जाए, तो जब आपका कबूतर दाना पानी कर चुके हों तो उनके आगे वो रख दें, या 24 घंटे रख दें, तो होगा क्या, आपका उससे कबूतर बिल्कुल इस मौसम के अंदर जो सरमाया मौसम चल रहा है बिल्कुल फिट फॉर रहेगा, और किसी भी तरह की कबूतर के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, कबूतर गर्म भी रहेगा, कबूतर के अंदर जो विटामिन मिनरल्स से कमी है वो पूरी होगी, और जोड़ेबाजी भी अच्छे करेगा कबूतर, तो कबूतर आपका फिट फॉर रहेगा। तो चलते हैं, बस इतना ही था इसी वीडियो में, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। किसी के पास अगर कोई साहब अपना खेल पानी शेयर करना चाहता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रابطہ कर लें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना खेल पानी शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप मुझसे रابطہ कर लेना। मेरे जो पिछली वीडियो हैं, ओल्ड वीडियो हैं, उनमें मेरा फ़ोन नंबर मौजूद है, और सिर्फ इसके लिए ही रابطہ करें आप, और कॉल ना करें मुझे प्लीज़। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।